अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास, आई एम हमनास गिल फ्रॉम मॉर्निंग ड्यू ग्रामर हाई स्कूल। टुडे आई एम हेयर विद माय सेकंड लेक्चर एंड दैट इज़ ऑन इंग्लिश ग्रामर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर इंग्लिश ग्रामर। पेज नंबर इज़ फोर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज़ नाउन्स। नाउन्स क्या होते हैं आपको पता है? नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ना है कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंक्रीट नाउन्स क्या हैं। कंक्रीट नाउन्स आर द नेम्स दैट वी कैन सी। ये ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं, टच छू सकते हैं, हेयर सुन सकते हैं, स्मेल सूंघ सकते हैं और टेस्ट और जिनको हम लोग चख सकते हैं। ऐसी चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ये सारी हमारी क्या है? कंक्रीट नाउन्स हैं। यहाँ पे एग्जांपल है, वी प्लेड इन द रेन। हम लोग बारिश में खेलते हैं, ये हमने बारिश में खेला। तो जो रेन है यहाँ पे वो हमारा क्या है? कंक्रीट नाउन्स है, क्योंकि बारिश को हमने देखा भी है, बारिश को हम लोग छू भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? कंक्रीट नाउन। अदर एग्जांपल है इसकी, दिस इज़ माय स्टडी रूम। ये मेरा स्टडी रूम है, वो कह रहा है। अब ये स्टडी रूम जो है उसका आप लोग देख सकते हैं, हम लोग स्टडी रूम को देख भी सकते हैं और स्टडी रूम में पड़ी हुई चीज़ों को टच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ रही हैं? ये हमारी हैं कंक्रीट नाउन्स में। ऐसी चीज़ें जिनको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, सारी क्या है? कंक्रीट नाउन्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नेम्स दैट वी कैन नॉट सी, जिनको हम लोग देख नहीं सकते। टच, हेयर, स्मेल और टेस्ट, ना हम लोग उनको टेस्ट कर सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना ही उन्हें सूंघ सकते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स? डू यू रिमेंबर योर चाइल्डहुड। अब वो कह रहे हैं क्या तुम्हें अपना बचपन याद है? चाइल्डहुड अब हमारे पास ये एक मेमोरी बन गई है, हमारे माइंड में है। हम लोग ना इसे देख सकते हैं, ना इसे छू सकते हैं, हम लोग सिर्फ उसे सोच सकते हैं, ये हमारी थिंकिंग में है। ठीक है, तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। सेकंड है इस पे, आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी, अब उसकी ईमानदारी है। अब वो कह रहे हैं कि उसकी ईमानदारी की दाद देता है। ठीक है, तो उसकी ईमानदारी उसने सिर्फ देखिए, ना उसको वो टच कर सकता है, ना वो उसको स्मेल कर सकता है, ना टेस्ट कर सकता है। ठीक है, ये ऑनेस्टी क्या है? वो उसकी एक क्वालिटी है जो उसमें पाई जाती है, लेकिन हम लोग उसे ना टच कर सकते हैं, ना हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। तो यहाँ पे पेज नंबर फोर पे उन्होंने कुछ वर्ड्स हमें दिए हुए हैं, उन्होंने कहा इनमें से आप लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और कंक्रीट नाउन्स जो हैं उनको अलग-अलग करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अब इनमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या हैं। सबसे पास हमारे पास सबसे पहला जो है वो है बिलीव, हमारा अकीदा, यकीन। तो हमारा ये जो है ये हमारे माइंड में होगा, इसको हम लोग टच नहीं कर सकते, तो ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा गार्डन, गार्डन को हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या है? कंक्रीट नाउन है। ठीक है, उसके बाद है पावर्टी, पावर्टी गुर्बत, तो इसको हम लोग टच नहीं कर सकते, तो ये किस में जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में जाएगा। पीस, जॉय, ये दोनों चीज़ें हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, इनको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो ये भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा। उसके बाद है बुक, बुक को हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो ये हमारे किस में जाएगा? कंक्रीट नाउन में। चाइल्डहुड, ये भी हमारी एक मेमोरी है, हमारे माइंड में है, इसको हम नहीं देख सकते, तो ये भी हमारा जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रूथ, ट्रूथ ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा। पिलो, अब ये हमारे पास तक किया सरहाना, इसको हम लोग टच कर सकते हैं, तो ये किस में जाएगा? कंक्रीट नाउन में। नेक्स्ट है टैलेंट, टैलेंट हम लोग टैलेंट को नहीं छू सकते, तो ये किस में जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। बॉय, लड़के को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये किस में जाएगा? कंक्रीट नाउन में। ट्री, एनिमल, दोनों चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये दोनों किस में जाएंगी? कंक्रीट नाउन में।
नेक्स्ट हमारे पास है आइडिया एंड जस्टिस। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम लोग नहीं देख सकते, ये हमारी थिंकिंग में है, ठीक है, इमेजिनेशन हमारी, ठीक है। तो ये किस में जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउंस में। नेक्स्ट हमारे पास है बॉल, बॉल को हम लोग टच कर सकते हैं, तो ये किस में जाएगा? कंक्रीट नाउन में। इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, ठीक है, इनको भी हम लोग देख सकते हैं, तो ये भी इसमें जाएगा कंक्रीट नाउन में। अगर हमारे पास है ड्रीम, ड्रीम हमारी जो कि इमेजिनेशंस होती है, हमारी थिंकिंग, हमारे दिमाग में सारा कुछ चल रहा होता है, तो ये किस में जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। नेक्स्ट हमारे पास है स्काई, आसमान को हम लोग देख सकते हैं, तो ये किस में जाएगा? कंक्रीट नाउंस में। मोबाइल, मोबाइल हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये भी जाएगा कंक्रीट नाउन में। फियर, ये हमारे अंदर की फीलिंग्स हैं, ये हमारी फियर, डर, इसको हम लोग टच नहीं कर सकते, तो ये किस में जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउंस में। सन, सूरज को हम लोग देख सकते हैं, तो ये जाएगा कंक्रीट नाउन में। लक, यूनियन, फ्रीडम, लॉस, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हम लोग ना टच कर सकते हैं न स्मेल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जाएंगी एब्स्ट्रैक्ट नाउंस में। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रेस, मिल्क, वाटर, डिश, इन चारों चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, तो ये किस में जाएंगे? ये सारी जाएंगी हमारी कंक्रीट नाउंस में, ठीक है। ये जो बॉक्सेस अब खाली रह गए, इन पर आप लोगों ने अपने पास से एग्जाम्पल्स लिखनी है एब्स्ट्रैक्ट नाउंस की और कंक्रीट नाउंस की, ठीक है। अपने इर्द गिर्द देखे चीज़ें कौन कौन सी कंक्रीट नाउंस में आएगी, आपने लिख देनी है, ठीक है, और अच्छे से आपने इनकी डेफिनेशंस याद करनी है, इनकी एग्जाम्पल्स याद करनी है कि ये होती क्या है कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउंस। कंक्रीट नाउन ऐसी चीज़ें जिनको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउंस जिनको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। तो होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी इनकी, आपने इनको अच्छे से याद करना है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।